Now we will discuss question number 4. In this question, it is given that an ant leaves the ant hill for its morning exercise. It walks 4 feet east and then makes a 160 degree turn to the right and walks 4 more feet. It then makes another 160 degree turn to the right and walks 4 more feet. If the ant continues this pattern until it reaches the ant hill again, what is the distance in feet it would have walked? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, ये अपन को पता है कि इधर ईस्ट रहेगा अपना ये वेस्ट, ये अपना नॉर्थ एंड ये अपना साउथ। तो एक आंट ने स्टार्ट करा एंट हिल से ईस्ट की तरफ, 4 फीट जैसे वो ईस्ट की तरफ गई तो जा रही थी इधर, बट उसने 160 डिग्री का टर्न ले लिया अपने राइट साइड में, तो उसका राइट साइड रहेगा इस तरफ, नीचे की तरफ। तो जैसे ही 160 डिग्री का टर्न लिया उसने इस डिग्री में, तो वो कुछ ऐसा चलने लग गई, ये उसका रहा 160 डिग्री। तो यहाँ पे अपने पास ये आ गया 20 डिग्री। सिमिलरली यहाँ भी अब चल रही थी, फिर 4 फीट चलने के बाद में उसने वापस 160 डिग्री का टर्न ले लिया, तो 160 का टर्न लेने के बाद उसने कुछ ऐसा पैटर्न स्टार्ट कर दिया। देखो ये आपका हुआ 160 डिग्री, मतलब सिमिलरली ये भी अपने पास कितना आ गया 20। ऐसे ही जब यहाँ चल रही थी तो 4 फीट चलने के बाद में उसने फिर से 160 डिग्री का टर्न ले लिया, तो जाना ऐसे था, हो गया उसका ऐसा कुछ। तो ये कुछ स्टार पैटर्न बनने लग गया। स्टार पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर इसको वापस उसी प्रोसेस पे पहुंचना है, और एक बार में उसका टोटल कितना चल रहा है 20 डिग्री रोटेट हो रहा है, जो अंदर का एंगल है स्टार का, एक अंदर का एंगल अपना कितना चल रहा है 20 डिग्री, देखो ये भी 20 डिग्री है, तो स्टार का इंटीरियर एंगल अपना 20 डिग्री है, और अकॉर्डिंग टू द स्टार अगर वापस उसको उसी पोजिशन में चलना है तो n टाइम्स 20 डिग्री इक्वल्स टू अपना होना चाहिए पाई, पाई मतलब अपना 180 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग n कितना आ जाएगा अपना 180 डिग्री अपॉन 20 डिग्री, मतलब अपना कितना चल जाएगा वो 9 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग एंड। लेकिन जैसे ही अपना ये 9 आया यहाँ पे, तो अपने पास टोटल ऐसा कितना चलेगा, 4 फिट चल रहा है, एक बार में कितना चलेगा 4 फिट, एन कितना कितने टाइम पे चलेगा 9 टाइम्स चलेगा। अगर 9 टाइम्स चल रहा है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एंट टू रीच अप टू एंट हिल इज इक्वल टू 9 into 4, दैट इज 36 फीट। दिस इज अवर फाइनल आंसर।